आज हम बात कर रहे हैं गांव की सड़क व्यवस्था की। आज भी बहुत से गांव ऐसे हैं जहां तक परिवहन व्यवस्था बिल्कुल बदहाल है। अधिकतर किसान अपनी फसल को लेकर व्यापारिक मंडियों तक नहीं पहुंचा पाते और रात दिन खेतों में परिश्रम करने के बावजूद इस परिश्रम का लाभ नहीं उठा पाते। गांव के प्रधान बार बार सरकार से गांव के विकास की गुहार लगाते हैं, लेकिन निष्कर्ष निकलता है कि सरकारी योजनाओं का पैसा राजनीतिक चुनाव जीतने वालों के पेट पूजा में ही चला जाता है और उसके बाद बचा पैसा शहरों कस्बों के विकास कार्यों में लगता है। अंत में कहीं जाकर गांवों का नंबर आता है। इसी के तहत एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद संभल के ब्लॉक संभल में स्थित चंदावली गाँव पड़ा। लगभग 3500 की आबादी वाला यह गाँव जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गाँव की दूरी मात्र 10 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव के प्रधान नवकेश चाहल हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में विकास कार्य बेहतर ढंग से कराए जा रहे हैं। लगभग 1800 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसित है। वहीं बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के प्राथमिक विद्यालय में लगभग 85 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए, जो विद्यालय में शिक्षा की बदहाल स्थिति को बयां करने के लिए काफी है। जब एबीपीएस न्यूज टीम ने वर्तमान प्रधान द्वारा कराए गए विकास कार्यों की समीक्षा की तो पाया कि गांव में सीसी टाइल्स रोड एवं सीसी रोड, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 100 शौचालय तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास का निर्माण कराया है। साथ ही पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 45 हैंडपंप तथा विद्युत आपूर्ति दुरुस्त करने के लिए 100 विद्युत पोल, 4 विद्युत ट्रांसफार्मर व सोलर लाइटें भी लगवाई गई हैं। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 55 आवास, पानी निकासी के लिए 300 मीटर नाला, पंचायत घर, अस्पताल, पशु चिकित्सालय, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों तथा सीसी रोड के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। वहीं ग्रामीणों ने भी बताया कि गांव के वर्तमान प्रधान गांव में विकास कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, लेकिन समय से धनराशि की किस्त न आने से विकास कार्य की रफ्तार धीमी पड़ी हुई है। मैं ग्राम पंचायत चंदावली ब्लॉक संभल जिला संभल प्रॉपर तहसील संभल एक ग्राम पंचायत पड़ती है चंदावली गांव पड़ता है। मेरे गांव में दो गांव हैं लगे हुए, एक मजरा भतावली है। मैं उस गांव का प्रधान हूँ। मेरा नाम नवकेश चाहल मेरा नाम है और मैं इस जिले का जिलाध्यक्ष भी माननीय जितेंद्र सिंह मुन्ना जी ने मैं जिलाध्यक्ष बना रखा हूँ। और मेरे गांव में एक तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ज़रूरत है। पंचायत घर मेरे गांव में नहीं है। विधवा पेंशन बनवाई है मैंने और काफ़ी लगभग 50-60% पेंशन मैंने बनवा दी है। लगभग 40% यानी कि 30-40-45 विधवा पेंशनों की और आवश्यकता है और मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ, फार्म वार्म भरवा रहा हूँ, मैं उनके प्रयास में हूँ और जहाँ तक है वहाँ बनवा दूँगा। दूसरा ये है, एक तो सफाई कर्मी की इस टाइम सफाई कर्मी नहीं है और दो बार मैंने DPRO से बोल दिया है सफाई कर्मी अभी तैनात नहीं हुआ है। एक तो फ़ौरन से पहले ही DPRO हमारे जो हैं, ये मेरी मांग है, अपील है और DPRO के कि हमारा सफाई कर्मी तैनात किया जाए। दूसरा, जो भी पैसा मुझे मिला आज तक उसका मैं सुचारू रूप से समय समय पर काम करा रहा हूँ। लगभग 700-800 मीटर के लगभग मैंने सीसी टाइल का निर्माण करा दिया है। 250 मैंने जो शौचालय हैं दोनों गाँव में मैंने सूची दी है, जिसमें 100-120 लगभग शौचालय तैयार हो गए हैं और 15-20 रोज में या लगभग एक महीने पहले पहले मैं गांव को DF करा दूंगा, ये मेरा अपना मानना है। और स्वास्थ्य केंद्र, बारात घर और पंचायत घर के लिए थोड़ा हमें पैसे की और एक्स्ट्रा पैसे की ज़रूरत है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से अपील करूँगा, मेरी आवाज़ उन तक आप पहुँचाने का काम करेंगे और मुझे पैसा कुछ धनराशि बढ़ा के दी जाए और एक बारात घर, एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और बाकी एक गया इनकी हमें ज़रूरत है। बाकी हमारे स्कूल वगैरह सब ठीक हैं, बच्चे भी हैं, टीचर भी हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी विकास कार्य में तो जितना भी माननीय मुख्यमंत्री जी हमें दें वो थोड़ा ही थोड़ा है और कुछ ना कुछ अलग से कुछ करें। बाकी हम लगातार जितना भी पैसा हमें मिल रहा है सुचारू रूप से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और समय समय पर काम कर रहे हैं। 3 मैंने हैंडपम्प रिबोर करा दिए हैं, 4 हैंडपम्प इंडिया मार्क का मैंने अपने पास से लगवा दिए हैं। बाकी मेरे गांव में 45-46 हैंडपम्प हैं। मेन समस्या है इनका पानी ख़राब हो गया है और मैंने इनका पानी भी भिजवाया है, सबका भर गया, रिपोर्ट अभी आई नहीं है। ज़्यादा लगातार अधिकतर पानी नलों का पानी ख़राब हो गया है, इनके रिबोर
कि वो तो हम रिबोर करा दिया, बल्कि जल निगम से कराया जाए तो बेहतर है। ये हमारी निधि जो है रिबोर में खर्च हो रही है, हमारा विकास में बाधा पड़ रही है, और जो पैसा हमारा निधि से कट रहा है तो हम इसे रास्तों में कहीं और किसी मद में लगा सकें, तो ये मेरा अपना कहना है। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर इस पर गौर करें तो ये पैसा सिंचाई जल निगम से लगाया जाता था, जल निगम से ही दोबारा लगाया जाए। बोलो, आज हमारे गांव में ABPS न्यूज़ चैनल की टीम गांव में आई हुई है और हमारे ज़िले में लगातार मतलब अच्छा काम कर रही है, और हमारा अपना ये चैनल है, और माननीय अध्यक्ष जी ने जो अपना ये चैनल तैयार किया है तो इसके लिए बार बार बधाई उन्हें, बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई के पात्र हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो काम कर रहे हैं रात और दिन एक करे हुए हैं, जुनून और बड़े खुलूस के साथ काम कर रहे हैं, तो इसके लिए बार बार फिर उन्हें पुनः बधाई। और जो टीम के हमारे भाई अशरफ जी हैं, हमारा गांव में आए हैं, क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, आप भी मुझसे बोल रहे हैं कि थोड़ा प्रधान जी जल्दी, कई गाँव में प्रोग्राम लगा हुआ है, इनके लिए बार बार पुनः धन्यवाद जी। मैं ग्राम चंदावली का रहने वाला हूँ, कृपाल सिंह मेरा नाम है, और साहब इस रास्ते से हम बहुत परेशान थे और ये रास्ता इस टाइम बहुत बढ़िया हो गया और प्रधान जी ने कराया है, और अब हमें कोई दिक्कत नहीं है इस रास्ते से।